वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपको क्लास टेंथ का जो चैप्टर नंबर थर्ड हमने स्टार्ट किया था उसका 3.1 एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर करें, बट मुझे लगता नहीं है कि एक वीडियो में कवर हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, मैं बुक उठाता हूँ। जो 3.1 एक्सरसाइज है दोस्तों, मैं हिंदी में आपको पढ़ के बताता हूँ और आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों वे में, कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं था 7 गुनी आयु का था। मतलब जो आफ्ताब है अपने डॉटर से ये कहता है कि 7 ईयर अगो मैं तुम्हारी एज से 7 टाइम्स का था, जो भी तुम्हारी एज है उससे मैं 7 टाइम्स का था। और फिर कह 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। मतलब वो कहता है 3 ईयर फ्रॉम नाउ कि मैं आपसे, मतलब अपनी डॉटर से, वो उसकी डॉटर की जो एज होगी ना बेटा, उससे 3 मल्टीपल पे होगा, मतलब 3 गुनी आयु का होगा, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों किस तरीके से, एल्जेब्रिक मेथड से भी सॉल्व करना है, यानी कि बीजगणितीय विधि, और दूसरा दोस्तों इसको हमें ग्राफिकल व्यू में भी दिखाना, मतलब ग्राफीय विधि के द्वारा भी हमें इसको दर्शाना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल वे बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे। एक तरफ मान लेंगे, लेट कर लेंगे, अगर इधर लिख देंगे एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है दोस्तों, और इधर लिख देंगे हम एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ डॉटर, ठीक है दोस्तों। हिंदी में आपको पता ही है कि आफ्ताब की आयु और पुत्री की आयु तो आफ्ताब की आयु को दोस्तों हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे x, क्या मान लेंगे x, और जो डॉटर है उसकी एज को यानी कि आयु को हम मान लेंगे y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बेटा, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है हमें, अगर हम प्रश्न के अनुसार चले तो फर्स्ट कंडीशन बोला है हमें कि 7 साल बाद, 7 साल पूर्व, पहले मतलब एगो की बात कर रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट कंडीशन में बात करी है इन्होंने एगो यानी कि पूर्व, तो कभी भी दोस्तों पूर्व की बात करें, ठीक है, एगो की बात करें तो आपको माइनस में चलना है, ठीक है। तो अभी जो आफ्ताब की एज है दोस्तों वो क्या है, एक्स है, तो 7 ईयर अगो क्या हो जाएगा, अगर 7 साल पीछे की बात करें तो उसकी एज में 7 माइनस हो जाएगा, ठीक है, और उसकी जो डॉटर है उसके भी एज में क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या कहता है कि वो अपने डॉटर से 7 मल्टीपल था, मतलब 7 गुनी आयु का था, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से लेके चलना है। अब आपको क्या पता है दोस्तों कि इसको हमें यहीं रखना है, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7y, इसको इससे करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 49 माइनस का, ठीक है दोस्तों। अब हमारा काम क्या होगा, एक्स को एक तरफ लेना है, अल्फ़ाबेट को एक तरफ लेना है, और जितने भी नंबर हैं उसको एक साइड लेना है, तो एक्स माइनस 7y, ठीक है दोस्तों। ये यहीं पे था, ये इधर आ गया, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया, और ये माइनस का 49 यहीं पे है दोस्तों, ये आपका माइनस का 7 है, उधर जाके प्लस का 7 हो गया, तो एक्स माइनस 7y, और यहाँ पे दोस्तों क्या बच गया, माइनस का 42, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन बन गया, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं दोस्तों, वो ये कह रहे हैं कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो अभी जो मेरी एज है, अगर उसके 3 साल बाद की बात करूँगा तो मेरे एज में वो 3 साल प्लस होंगे या माइनस होंगे, प्लस होंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कंडीशन में चलते हैं, इसका क्या था, x था, तो x प्लस 3, ठीक है दोस्तों। उसकी डॉटर का क्या था, y, तो y प्लस 3, वो अपनी डॉटर से कितने मल्टीपल था, कितनी बता रहा वो, 3, मतलब 3 गुनी आयु का यानी कि 3 मल्टीपल्स था, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है दोस्तों, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3y, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों 9। फिर हमें इसी की तरह करना है कि अल्फ़ाबेट को एक तरफ और नंबर को एक तरफ रहने देना है,
तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, और दोस्तों ये उधर जाके माइनस का 3। तो आप देखोगे आपके सामने एक और इक्वेशन प्रेजेंट हो गया दोस्तों, ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड, क्लियर है दोस्तों? ठीक है, आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं इसको आगे का पार्ट, जो इक्वेशन तो हमने निकाल लिया, ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे का जो पार्ट है ग्राफिकल तरीके से वो हम आपको बताएंगे। ये क्या था दोस्तों? ये आपका एल्जेब्रिक मेथड है, यानी कि बीज गणितीय विधि है, ठीक है। पहले एक चीज़ को, इस एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट को समझ लेना कि अगर पीछे की बात करी, एगो की बात करी, ठीक है दोस्तों, तो वो पीछे की बात करें, पीछे की एज की बात करें, तो हमें एज क्या करना पड़ेगा, उसमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आफ्टर की बात करें, फ्रॉम नाउ बाद की बात करें तो दोस्तों, तो हमें क्या करना है, एज को प्लस करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं आपको ग्राफिकल मेथड बताता हूँ। तो आइए दोस्तों, आपको मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था अपना, उसका ग्राफिकल व्यू यानी कि ग्राफीय विधि के द्वारा मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं पहले ही ये बना चुका हूँ, ठीक है, आपको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा। मैंने पहले इसलिए बनाया ताकि अपना टाइम बचे, ठीक है दोस्तों। देखो, दो ही क्वेश्चन थे हमारे पास, एक्स माइनस 7y और इक्वल्स टू माइनस 42, और सेकेंड क्या था दोस्तों, एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो दोस्तों आपको 2 से 3 एक तरीके से सॉल्यूशन इसके फाइंड करने, आपको दो फाइंड करोगे तब भी चलेगा, ठीक है दोस्तों, दो फाइंड करोगे तब भी चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या लिया, पहले x को 0 लिया है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, पहले x की जगह पे 0 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 42, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 0 से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 7y इक्वल्स टू माइनस 42। आपको पता है कि यहाँ पे अपना माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे कौन बचेगा, वाई इक्वल्स टू 42 अपॉन में 7, हमने कट किया दोस्तों, कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है दोस्तों, क्या आ गया, 6। दूसरा सेकेंड इसमें चलते हैं दोस्तों, इसी इक्वेशन में एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, 7 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, ठीक है दोस्तों। आपको बताइए इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उधर जाके ये हो जाएगा ये माइनस का 7, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे माइनस का 7y और इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस माइनस का 49, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोस्तों, तो 7y यहीं पे बचेगा और 49 मीन्स y यहीं पे रहेगा, 49 के नीचे कौन आ गया दोस्तों, 7, कट के कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे y अपना 6 आया था, यहाँ पे y अपना कितना आया दोस्तों, 7, ठीक है दोस्तों। अब एक और आपको दिख रहा होगा नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, x को रखना है 35, क्या रखना है, 35। तो x की जगह पे हम पुट करते हैं 35 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 42, तो माइनस 7y यहीं पे रहेगा दोस्तों, माइनस 42 यहीं पे रहेगा, ये प्लस हो रहा उधर जाके माइनस का 35, ठीक है दोस्तों। तो माइनस 7y, और अगर हम बात करें तो माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस, साइन माइनस का ही आएगा, 77, ठीक है दोस्तों, 77 हो गया, ठीक। देन y आपका यहीं पे रहेगा और माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, और 77 अपॉन में 7 कट गया दोस्तों, कितना आ गया, 11, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये हमने वैल्यू पुट करी थी। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं दोस्तों, इक्वेशन क्या था अपना, कि x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, ठीक है दोस्तों। x को हमने 0735 लिया था, 0735। y अपना कितना है दोस्तों, y जो आया अपना पहले 6 आया, फिर कितना है दोस्तों, फिर 7 आया, फिर कितना आया था, 11, ठीक है दोस्तों। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन था दोस्तों, उसको हमने सॉल्व किया, ठीक है, इस तरीके से। नाउ हम बात करते हैं सेकंड दोस्तों, सेकंड इक्वेशन आपको दिख रहा होगा ये वाला है अपना दोस्तों, इसको भी सेम वे में हम लेके चलेंगे। देखो मैंने 0, 7 और 35 लिया है, मैंने ऐसा इसलिए लिया है ताकि इक्वेशन प्रॉपर सॉल्व हो जाए, आप इसकी जगह पे कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि आप कुछ लोगे तो ऐसे नंबर को लेना जिससे कि प्रॉपर कट हो जाए, नहीं तो पॉइंट में आएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी सॉल्व करने में, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है दोस्तों। 3y यहीं पे रहेगा, 6 यहीं पे रहेगा दोस्तों। अब अगला जो स्टेप होगा, y यहीं पे रहेगा, 6 यहीं पे रहेगा, नीचे कौन आ गया, माइनस का 3,
थ्री टू जो सिक्स मीन्स वाई अपना कितना है दोस्तों माइनस का टू। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्या अपना दोस्तों एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना है सिक्स, सिक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स, माइनस का थ्री वाई यहीं पर रहेगा दोस्तों, सिक्स यहीं पर रहेगा, ये जो इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस का सिक्स, मतलब थ्री वाई इक्वल्स टू यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों जीरो, वाई यहीं पर रहेगा, जीरो के नीचे कौन आ गया माइनस थ्री, कट करेंगे दोस्तों जीरो मीन्स वाई अपने पास आ गया जीरो। क्लियर है दोस्तों। ठीक है एक और लेके चलते हैं दोस्तों इक्वेशन जो अपना लास्ट वाला, उसमें एक्स की जगह पे क्या रखना है थर्टी, थर्टी माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स, माइनस थ्री वाई यहीं पर रहेगा दोस्तों, सिक्स यहीं पर रहेगा, ये क्या हो रहा है इधर प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का। ठीक है तो माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों माइनस का ट्वेंटी फोर बच गया आपका, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई का वाई रहा दोस्तों ट्वेंटी फोर के नीचे आ गया आपका थ्री, कट किया तो दोस्तों कितना आ गया एट, कितना आ गया दोस्तों एट। तो आपको पता ही आपका सॉल्यूशन है ये है ये है और ये है। ठीक है दोस्तों अब इक्वेशन की बात करें तो हमने हमारा इक्वेशन क्या था दोस्तों, ये था एक्स माइनस थ्री वाई और इक्वल्स टू में सिक्स। ठीक है और हमने एक्स को क्या लिया था ज़ीरो देन सिक्स देन दोस्तों थर्टी, देन अपना वाई कितना आया था दोस्तों वाई पहले आया माइनस टू फिर दोस्तों ज़ीरो फिर अपना आया आई। क्लियर है दोस्तों ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हमें क्या करना है दोस्तों इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, किसमें ग्राफ में मतलब हमें दर्शाना है इसको। तो दोस्तों मेरे पास इतना भी मतलब बोल सकते हो मीडियम नहीं है माध्यम नहीं है जिससे कि आपको मैं पूरा ग्राफ तरीके से बता सकूं, लेकिन मैंने आपको कोशिश किया है कि इसको अच्छे से बताने की। ठीक है दोस्तों चलिए पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। तो आप देखो एक्स क्या अपना दोस्तों ज़ीरो और वाई कितना है सिक्स है, तो एक्स का ज़ीरो और वाई की लाइन कौन सी दोस्तों ये है, तो वाई का सिक्स कहाँ पर ये रहा दोस्तों। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड अपना दोस्तों क्या है वाई का सेवन, तो आपको पता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन यहाँ पे होगा और एक्स का सेवन और वाई का भी सेवन कहाँ होगा दोस्तों इस तरफ, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है एक्स का सेवन और वाई का सेवन, क्लियर है दोस्तों। नाउ अपना एक्स का कितना है थर्टी फाइव और वाई का कितना है इलेवन, तो दोस्तों एक्स का थर्टी फाइव ये रहा वाई का इलेवन कहाँ होगा दोस्तों इधर होगा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि हमें x का ये पार्ट लेना y का ये वाला पार्ट लेना, और जब इसको हम मिलाएंगे दोस्तों तो आपको पता इस तरीके से जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे अपना क्या था दोस्तों ज़ीरो सिक्स, ये कौन था दोस्तों ज़ीरो और सिक्स था, ये कौन था दोस्तों अपना सेवन और सेवन था, और ये वाला अपना कौन सा दोस्तों थर्टी फाइव और इलेवन। क्लियर है दोस्तों ये अपने फर्स्ट इक्वेशन के लिए था। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं दोस्तों तो सेकेंड में क्या चलेगा अपना कि x का ज़ीरो y का माइनस टू, तो y का माइनस टू कहाँ पे होगा दोस्तों नीचे होगा वन और टू माइनस वन माइनस टू, तो यहीं पे पुट करेंगे दोस्तों। क्लियर कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा दोस्तों x का सिक्स और y का ज़ीरो कहाँ पे होगा दोस्तों यहीं पे होगा। ठीक है नाउ अपना x का कितना दोस्तों थर्टी और y का क्या हो गया दोस्तों एट, x का 30 ये है अपना और y का 8 किधर होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है दोस्तों तो कहाँ जाएगा ये दोस्तों ये इस तरीके से अपना कट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें 0 और माइनस टू, यहाँ पे दोस्तों आपका 6 और 0 और दोस्तों यहाँ पे क्या था 30 और 8। क्लियर है दोस्तों ये यहाँ पे कट हो रहा है किसी पॉइंट पे। ठीक है तो आप बोल सकते हो कि लाइन वन लाइन टू कहाँ पे कट हो रहा है दोस्तों, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है दोस्तों अच्छे से दिख रहा है आपको है ना, इसी तरीके से इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। और अब हम बात करते हैं इसका एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है और अब हम इसका एज कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों तो इसको मैं रब करता हूँ पहले। तो दोस्तों आइए इसको हम सॉल्व करते हैं एल्जेब्रिक मेथड से। ठीक है और कोशिश करते हैं कि आफ्ताब और उसकी पुत्री यानी कि आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों तो आपको मैंने मेथड बताया था एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने में। सबसे पहले ट्राई करते हैं दोस्तों एलिमिनेशन मैथड, ठीक है दोस्तों। एलिमिनेशन मैथड मतलब विलोपन विधि। ठीक है दोस्तों, एलिमिनेशन मैथड आपका, ठीक है दोस्तों, ये आपका कौन सा एलिमिनेशन मैथड। और देखो पहला क्वेश्चन कौन सा आपका, x माइनस सेवन वाई इक्वल्स टू माइनस का 42, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन कौन सा दोस्तों, माइनस x माइनस थ्री वाई और इक्वल्स टू 6। देखो एलिमिनेशन मैथड में क्या होता है दोस्तों, हमें या तो x को इक्वल करना पड़ता है या तो y को इक्वल करना पड़ता है। यहाँ तो आप देखोगे x पहले इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं। ये अपना माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, ये अपना यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपका ये x से x ख़त्म हो गया, ठीक है। अब 7y में से 3y गया दोस्तों, कितना आ जाएगा, माइनस का 4y, ठीक है। कितना आ गया, माइनस का 4y। अब यह माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया, तो माइनस का 48 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब y आपका यहीं पे रहेगा, देखो यहाँ पे पहले हम माइनस और माइनस को कैंसिल कर देते हैं, और 48 के नीचे कौन आ गया दोस्तों, 4 आ गया, कट करा दोस्तों, ये तो अपना क्या आ जाएगा, 12। मतलब y की वैल्यू अपनी क्या आ गई, 12 आ गई, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, तो दोस्तों इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमें सेकंड वाला अच्छा सा लग रहा है, अच्छा तो दोनों ही है दोस्तों, तो हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। ऊपर वाला लो तो ऊपर वाले में पुट कर सकते हो, नीचे वाला तो नीचे वाले में, ठीक है दोस्तों। x इक्वल्स x माइनस 3, y की जगह पर 12 पुट किया दोस्तों, और ये आपका 6, ठीक है। x दोस्तों इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 36, यहाँ पे दोस्तों 6 हो गया, x यहीं पे रहेगा, 6 यहीं पे रहेगा, ये माइनस का 36 वहाँ पे जाके प्लस का 36, तो x इक्वल्स टू 42, ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन में आता कि दोनों की एज फाइंड करके दिखाओ, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आफ्ताब जी का एज क्या था, तो आफ्ताब जी का जो एज है दोस्तों, यानी कि एज ऑफ आफ्ताब, वो कितना है, 42, क्योंकि हमने आपको बताया है कि आफ्ताब को एक्स सेलेक्ट किया था, ठीक है। और जो डॉटर है दोस्तों, पुत्री है, उसकी एज क्या है दोस्तों, हम बोल सकते हैं 12, कितनी है दोस्तों, 12, क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाया आपको, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से यानी कि प्रतिस्थापन विधि, ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन सबसे सिंपल आपका एलिमिनेशन मेथड है, क्योंकि किसी एक की वैल्यू को आप फाइंड करो, देन उसको सेकंड में या फर्स्ट में पुट कर दो, आपका सॉल्यूशन निकल आएगा, ठीक है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लो, और होप आपको समझ में आ गया दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो हम मतलब लगातार आपके लिए हम वीडियो लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शेयर करने से क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचेगा, और उनको सिंपल से सिंपल वे पता लगेगा।